तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल ए के एडिटिंग जोन में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग। तो आपको देखो, सिंपली क्या करना है, एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है भाई पिक्सार्ट ऐप। पिक्सार्ट ऐप का एप्लीकेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो अभी पिक्सार्ट ऐप को ओपन कीजिए। पिक्सार्ट ऐप ओपन होते ही अभी देखिए, कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपको इधर के प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा ऑल फोटोज़ का, ऑल फोटोज़ के ऑप्शन पे क्लिक करने का। तो ऑल फोटोज़ के ऑप्शन पे क्लिक करिए और फिर उसके बाद यहाँ पे दी हुई एक बैकग्राउंड है जो मैंने जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप भी जाकर वहाँ से आप ये बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा बैकग्राउंड है और अभी आपको कुछ इस तरह की फ़ोटो क्लिक करनी होगी। अपने फ़ोन या DSLR से आप कुछ इस तरह की फ़ोटो क्लिक कर लिए और उसके बाद ऐड फ़ोटो में जाइए। ऐड फ़ोटो में जाने के बाद आप अपने फ़ोटो को ऐड कीजिए। मेरा मॉडल ये है और मैंने भाई इसका फ़ोटो ऐड किया। अभी देखो, सिंपली आपको क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करना है और उसके बाद इधर थोड़ा ऊपर करना है इसका ऑप्शन पे, एंड यहाँ पे कटआउट का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो कटआउट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो कटआउट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और आपको सिंपली क्या करना है, आउटलाइन का जो आपको दिख रहा है, आउटलाइन पे आपको क्लिक करना है। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा आप ऐसे जो अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। मैंने थोड़ा सा इसको एडजस्ट किया है एंड फिर उसके बाद अपने मॉडल के ऊपर ऐसे ऐसे मेरे हिसाब से जैसे मैं ले जा रहा हूँ वैसे ही कीजिए, जिससे आपका कटनी एकदम प्रोफेशनली टाइप में होएगा। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम अपने फ़ोटो को कटिंग और मैं कर देता हूँ अपना वीडियो फास्ट। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी अपने बैकग्राउंड को कटिंग कर लिया है। तो देखिए, एकदम सिंपल से आपको करना क्या है, इस तरह के फ़ोटो में अभी आपको सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन आपको क्रॉप करना करते हैं। इसको सीधा इधर इरेज का ऑप्शन है, इरेज के ऑप्शन पे, सॉरी मैंने क्रॉप बोला, इरेज के ऑप्शन पे जाइए। फिर इरेज का ऑप्शन में आपको इधर सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो सेव के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। सेव का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको हार्डनेस पूरा फुल कर दीजिए और फिर उसके बाद नीचे से इसको हाफ सिर्फ लीजिए। हाफ ये मैंने हाफ कर लिया है, फ़ोटो मैंने हाफ कर लिया है। अभी आपको सिंपली इसको यहाँ से सही कर देना है। सही कर दिया है। अभी सही करने के बाद इसको गणपति जी के जहाँ यहाँ पे है उसके पैर, उनके पैर के नीचे इधर देखो इस कुछ इस टाइप पे सेव करना है। फिर यहाँ पे वापस आपको इरेजर का टूल दिख रहा हो, उस टूल पे क्लिक करो। टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे से थोड़ा सा इरेज का ऑप्शन पे जाना है एंड उसके बाद ओपेसिटी एंड हार्डनेस को थोड़ा सा कम करना है और साइज को थोड़ा बढ़ाना है और फिर साइड में आपको ऐसे ऐसे कुछ इस तरह के टाइप पे करना है ताकि लगे आपका मॉडल की पानी में ही है, उसका शरीर पानी में गया हुआ है। तो अभी ये देखो, ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल भाई ये पानी में है। और ये साइड साइड में जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है उसको भी मैं क्लीन करने आपको बता रहा हूँ, और इधर जो लिखा हुआ है इसको भी कृपया करके साफ़ कर लीजिए। तो मैं चलिए साफ़ कर लेता हूँ। तो इधर हम लोग इसको क्लियरली भाई अभी इरेज हो गया है अपना। तो अभी सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इधर से ये राइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। राइट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका मॉडल ऐसा लगेगा जैसे कि पानी में खड़ा है। अभी सिंपली यहाँ से भी राइट कर दीजिए। अभी ये देखो, राइट मैंने किया, अभी देखो
राइट के बाद सेव हो गया। ये देखो एकदम ऐसा क्लियर लग रहा है। अभी सिंपल सा एक स्टेप है, क्या करना है आपको, वापस से ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाना है, तो गणपति की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो और कमेंट भी करो दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।